तो हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है और आज हम करने वाले हैं शी हल्क एपिसोड 2 का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शी हल्क एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि जेन वॉल्टर का कोर्ट रूम में सबके सामने हल्क बनना उसके लिए मुसीबत हो गया, जो कि हर एक सुपर हीरो के साथ होता है, अब वो उसके साथ होने लगा है। लोग ऐसी लड़की को काम नहीं देना चाहते हैं जो एक ट्रांसफॉर्म होकर शी हल्क में बन जाती है, जिस वजह से जेनिफर वॉल्टर काफी ज्यादा परेशान रहती है। जेनिफर वॉल्टर के फादर उसे समझाते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई हमारे फैमिली में हल्क बना है। फिर सुपर हीरो लॉ डिपार्टमेंट का हेड आकर जेनिफर वॉल्टर को नौकरी पर रख लेता है, लेकिन बाद में जेनिफर वॉल्टर को पता चलता है कि वह जेनिफर वॉल्टर के क्वालिफिकेशन और एबिलिटी की वजह से उसे ये नौकरी नहीं बल्कि वह शी हल्क है, इसीलिए उसे यह नौकरी मिली है। इस तरह से कहा जा सकता है कि वो लोग शी हल्क का फायदा उठाना चाहते हैं और अपनी कंपनी का फ्री में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। तो शी हल्क को पहला केस मिलता है अबोमिनेशन का, जिसे वह बिल्कुल नहीं लेना चाहती है और वह कहती है कि अबोमिनेशन ने मेरे कजन के ऊपर जानलेवा हमला किया था, इसलिए मैं वो उसका केस नहीं ले सकती हूं। लेकिन सुपर हीरो लॉ डिपार्टमेंट का हेड उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है आप ये केस नहीं लोगी तो आपको यह नौकरी भी नहीं मिल सकती है। और जेनिफर वॉल्टर को नौकरी की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वह यह केस ले लेती है और अबोमिनेशन से मिलने चली जाती है। हम अबोमिनेशन को तो नहीं लेकिन मिस्टर ब्लॉन्सी को देखते हैं, जो अपनी काफी दुख भरी कहानी बताता है। वह कहता है कि मैं हल्क पर हमला इसलिए किया था क्योंकि मुझे तुम्हारी सरकार ने ऐसा करने को कहा था और मैं बस सुपर सोल्जर सीरम लेकर कैप्टन अमेरिका की तरह बनना चाहता था, लेकिन लोगों ने तो मुझे विलन बना दिया और यहां कैद कर दिया। देखो मुझे हल्क पसंद है लेकिन मुझे उसकी स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा। बंदे ने काफी कुछ सहा है यार और उसे उसका पछतावा है। वो तो बेचारा बस कैप्टन अमेरिका की तरह बनना चाहता था लेकिन सुपर सोल्जर की वजह से अबोमिनेशन बन गया। जेनिफर वॉल्टर हल्क को कॉल करती है और कहती है अबोमिनेशन का केस लेना चाहते हूँ। तो हल्क उसे बताता है कि अबोमिनेशन ने उसे एक सॉरी लेटर लिखा था। हल्क और अबोमिनेशन की लड़ाई तो काफी सालों पहले ही खत्म हो गई थी। हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। हम देखते हैं कि हल्क सकारियन शिप में बैठा हुआ होता है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वर्ल्ड वॉर हल्क हमें बहुत जल्दी ही दिखने वाला है। कि हल्क के सकारियन शिप में होने की वजह से ऐसा लगता है कि मेकर्स कुछ कर रहे हैं हल्क के लिए, जो कि काफी ग्रैंड लेवल पर होने वाला है। वर्ल्ड वॉर हल्क का ही स्टोरी लाइन हमें देखने को मिले फ्यूचर में। उसके बाद हम देखते हैं कि अबोमिनेशन जो सेंचुरी में जाकर फाइट किया था उसके लिए काफी ज्यादा बवाल हो गया है। एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हमें कोई एक्शन सीन्स नहीं दिखाया गया क्योंकि अभी सी हल्क की स्टोरी लाइन को बिल्ड किया जा रहा है, इसीलिए हमें एक्शन वगैरह अभी नहीं दिखने को मिले हैं। हमें सिर्फ उससे रिलेटेड स्टोरियां ही देखने को मिल रही है। आपको सी हल्क का एपिसोड 2 कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। चैनल पर 1K होने वाले हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो।